तो हमारे दोस्त दीपांकर जी कैसा लगा आपको? बहुत अल्टीमेट, बहुत गुड यार, बहुत गजब गजब का यार, बहुत मजा आ गया। तो चले फिर आगे को ये फिर भी देखना है। चलो एक राउंड और मार लेते हैं। नहीं नहीं अब नहीं आएगा, अब नहीं होगा। ओहो प्रभु, पूरी इच्छा पूरी कर दी प्रभु ने। या बनाओ मेरी वीडियो। टाइगर है अंदर घुस गया। अरे बहुत टाइगर अंदर घुस गया। तो दोस्तों फाइनली मिशन जो है अब पूरी तरह सक्सेस हो चुका है और दोबारा हमें टाइगर दिख गया है। तो दो टाइगर आज दिखे हैं और दोस्तों गदर। हमारी फीलिंग हम आपको बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है। तो दिखाई नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खत्री ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नाइट ड्राइव में सुरई पीलीभीत रेंज में, और मेरे साथ हैं मेरे साथी दीपांकर जी। तो दीपांकर जी कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। और काफ़ी टाइम बाद मुझे जाने का मौका मिल रहा है नाइट ड्राइव में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं आज हमें नाइट ड्राइव में क्या मिलता है, और हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारी गाड़ी की लाइट के आगे जानवर दिखेगा वो आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, और ये ब्लॉग जो है बहुत ही शानदार होने वाला है आज का। तो मिलते हैं आपसे आगे। खत्री जी बनाओ, निकल गया यार अंदर। बन गया तो बन ले, तो थोड़ा आगे ले आओ, गाड़ी में को ले आओ। बस 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 बस, ज़्यादा आगे मत जाओ। अरे यार लाइट भी कम पड़ गई। करने की ऐसी जगह में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, वैसे तो पता होना चाहिए ऐसे एरिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर नहीं पता है तो बहुत गलत फहमी है, बहुत गलती करी जिसकी सज़ा बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हादसा तो हुआ नहीं, और अजगर भी सेफली अंदर की तरफ चले गया था, तो हमने अजगर को जाने का रास्ता दे दिया था, और उसके बाद वो गाड़ी भी वहाँ से आगे को निकल ली। अभी हम नाइट ड्राइव कर रहे हैं शारदा कैनाल के पास, जो वाइफर कैसन वाली जगह है वहाँ पे, और इसी के आसपास पीलीभीत में टाइगर सफारी भी होती है, और सफारी के समय भी अक्सर जो है सफारी जिप्सी इसी रास्ते से गुजरती हैं। और यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक है कच्ची पटरी और एक है पक्की पटरी। तो दोनों ही जो रास्ते हैं उन पर टाइगर की सेटिंग होती है। पर्ची कट आ गए तो हम अंदर की तरफ आ गए, और वैसे ये रास्ता जाते सीधे डैम वाले एरिया पे, और काफ़ी बड़ा विशाल डैम है। आगे कम से कम 24-25 किलोमीटर का डैम है। यहाँ पर कुछ संभावना है? करा कुछ संभावना देखो यार, जंगल हुआ तोड़ देगा यार, कहीं भी हो सकता है ना, वाइल्ड लाइफ कहीं भी हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल है। साथियों एक बार फिर हम उस फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं, और हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर हमें पाइथन देखने को मिला था, क्योंकि वही रोड है जहाँ पर अक्सर जो है वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो, चाहे वो कैट हो। तो एक बार फिर हम जाएंगे उसी रोड पे, और आगे का प्लान हमारा ये है कि हम उसी जगह पर सवारी करेंगे। तो सामने आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, यह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, जो सफारी होती है इन्हीं रास्तों में होती है, और अभी ये बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। दोस्तों सामने जब पुल है इसके ठीक सामने चूका इको टूरिज्म पार्क का रास्ता है। आप देख सकते हैं सामने आपको जो बोर्ड दिख रहा है वो चौका इको टूरिज्म का बोर्ड है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, और सफारी वाली गाड़ी भी ले आती है यहाँ घुमाने के लिए अगर आप जाना चाहें तो। यार मज़ा आ रहा है।
टाइगर है, टाइगर है, अंदर घुस गया। अरे बहुत टाइगर अंदर घुस गया। दोस्तों अभी हम जहाँ पे रुके हैं अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पे हमें टाइगर की सेटिंग हुई, लेकिन वो चले गया झाड़ी के अंदर सामने और हम वेट कर रहे हैं। हो सकता आए और हो सकता नहीं भी आए, तो थोड़ा बहुत मेरे कैमरे में शूट हुआ है वो, तो देखते हैं। अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी पोटा पोल नहीं किया ना प्रशांत जी, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो चुका है। अभी हम टाइगर वाली जगह से आगे आ चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा उसको छोड़ दें, हो सकता है हमारी गाड़ी को देख के वो बाहर ना आ रहा हो, तो हम थोड़ा आगे आ गए हैं और एक चक्कर हम फिर मारेंगे पीछे का। कोशिश है कि दिख जाए पूरी तरह अच्छे तरीके से, लेकिन जो भी दिखा दोस्तों बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला सीन। रात को पहली बार टाइगर देखा है आज, और वो भी अपने सेल्फ अपने खुद के द्वारा हमने खोजा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और अक्सर हम इसीलिए नाइट ड्राइव करते हैं कि हम भी कुछ देख सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें। तो दीपांकर जी, हाँ जी, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ज़बरदस्त। टाइगर कितना दिखा आपको? पूरा जाते हुए दिखा, पूरा अच्छे से फिर घुसते हुए दिखा। वीडियो शूट का टाइम मिल पाया ना? वीडियो शूट एक्चुअली उसने टाइम भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, फिर ये कि सिस्टम ऑन करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। लेकिन मजा आ गया। क्यों? लेकिन इतना कैप्चर कर लिया वही बहुत बड़ी बात है, उतने कम समय में मजा आ गया बहुत 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 ज्यादा। तो अभी हम फिर पहुंच चुके हैं मनोज भाई की दुकान पे, और यहाँ से एक बार फिर हम करेंगे वापसी। वापसी करेंगे पीछे की ओर को, हो सकता है कि हमें दोबारा देखने को मिल जाए, लेकिन बाकी मुझे लग किस्मत है। यहीं रुक लो, यहीं रुक लो, भाग जाएगा। बैठ गया यार, बैठे चलो आगे। तो तो दोस्तों फाइनली मिशन जो है अब पूरी तरह सक्सेस हो चुका है, और दोबारा हमें टाइगर दिख गया है। तो दो टाइगर आज दिखे हैं, और दोस्तों गदर। हमारी फीलिंग हम आपको बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है। घर वालों की गाड़ी तो खानी पड़ेगी आज भी, क्योंकि टाइम हो गया है, आज तो घरवाले भी, लेकिन घर वाले भी खुश हो जाएंगे टाइगर हम दिखाएंगे, हमारी मेहनत देख के वो भी खुश होंगे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार हमारी जर्नी रही है, और जो हमारी इच्छा थी कि हमें रात को टाइगर दिखे वो भी पूरी हो गई है, क्योंकि काफ़ी ड्राइव हमने यहाँ पे करी ना रात को, और आज जो है बहुत ही शानदार टाइगर देखने को मिला है। तो ब्लॉग में तो मैं आपको दिखाऊंगा ही जो अपने नए कैमरे से शूट किया है, लेकिन अभी जो मैंने शूट किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारे दोस्त दीपांकर जी, कैसा लगा आपको? बहुत अल्टीमेट, बहुत गुड यार, बहुत गजब गजब का यार, बहुत मजा आ गया। तो चले फिर आगे कौन या फिर भी देखना है? चलो राउंड और मार लेते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। हो प्रभु, पूरी इच्छा पूरी कर दी प्रभु ने। बनाओ मेरी दोस्तों, टाइगर सेटिंग हो गई है, तो लोग अपना अपने जो है व्यक्तित्व दे रहे हैं। कोई कह रहा कि मैंने ऐसे कहा था, कोई कह रहा वैसे मैंने कहा था, लेकिन जो टाइगर ने कहा था वो सही कहा था, वो सही कहा था भाई। आज हमें बोला था माता रानी दिखूंगा, और आज दशहरा का दिन है भाई, सबसे बड़ी बात। बहुत शानदार, और अपने जो हम जज्बात हैं वो आपको बता नहीं सकते, इतनी खुशी है, क्योंकि दोस्तों जब मेहनत सफल होती है तो दिल भी उतना ही खुश होता है, और फिर आगे कुछ अच्छा करने की हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है। तो आगे अभी बहुत शानदार शानदार ब्लॉग आने वाले हैं टाइगर के, आगे बाकी हमारा पूरा टारगेट टाइगर मीन्स वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि सिर्फ एक टाइगर ही हमारा एम नहीं होता है, बाकी में और भी चीजें हैं, विभिन्नताएं भी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे,
और टाइगर तो खैर सभी का जो अट्रैक्शन है रहता है टाइगर पे, उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है, जैसे भालू है, लेपर्ड कैट है, फिश कैट है। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर कोशिश करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने शहर की ओर, अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी लंबा जंगल भी है, तो हो सकता है और टाइगर की भी सेटिंग हो जाए। तो ये सब किस्मत की बात पर डिपेंड है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। सपना सच साथियों, पहुंच चुके हैं वापसी में हम खटीमा। जो बीच वाला जंगल था वहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, भीड़ है रात को 12 बजने वाले हैं, 12 बजे रात का माहौल है यहाँ पे। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 1 और अभी हम पहुंचे हैं चोरोलिया फॉरेस्ट है, उस जगह पे हम पहुंचे हैं। काफ़ी घना ये फॉरेस्ट है ये भी, और यहाँ पर भी कुछ दिखने की संभावनाएँ हो सकती हैं, क्योंकि टाइगर टेरिटरी है ये इलाका भी। तो दोस्तों यहाँ से हम अब पहुँचेंगे अपने घर को। तो रास्ते में हमने थोड़ा नाश्ता पानी किया तो काफ़ी देर हो चुकी है, यही होता है अक्सर हम जाते हैं नाइट टाइम में तो काफ़ी टाइम हो जाता है लौटने में। और अब पहुँचते हैं फिर घर, अब देखो अब नींद भी आने लग गई है, लेकिन ये कि घर पहुँचते गाड़ी से देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं आसमान में चंद्रमा रोशनी के साथ। नीचे जो रोड है हमारी गाड़ी की रोशनी से जगमगाती हुई, साथियों रात के बज चुके हैं 1:29 हो चुका है और हम पहुंचने वाले हैं अपने घर के पास। और दोस्तों आज का जो हमारा सफ़र रहा ड्राइव का बहुत ही शानदार रहा, दिन भर हमने ड्राइव करी गाड़ी और रात को भी, और जो रात का सफ़र था हमारा ड्राइव का बहुत ही स्पेशल रहा, दो दो ड्राइवर देखने को मिले, और पहली बार नाइट ड्राइव में मुझे जो है टाइगर देखने को मिला, और शायद दीपांकर जी को भी पहली बार देखने को मिला है, सेकंड टाइम रात को ना, इससे पहले जिंगा और वर्डवन मैनेटर। तो हाँ दीपांकर जी को उससे पहले मिला था, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन इतना बढ़िया पहली ही रात में दो दो टाइगर, तो बहुत ही अमेजिंग रहा आज का जो हमारा सफ़र था। एक बार तो काफ़ी मूड ख़राब भी था, जब शाम होने वाली थी हमें कुछ दिखा भी नहीं, तो अचानक ही किस्मत ने जो हमारी पलटी और ऐसा जो हमें सीन देखने को मिला टाइगर का रात का, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दो यार, लाइक कमेंट कर दो ना, सब्सक्राइब, और जो भी कमियां होंगी वो आप हमें बताइएगा, और हमारी भी कोशिश रहती है कि जो कमी हो वो हम दूर कर सकें, क्योंकि अभी उतना अनुभव हमें भी नहीं है ब्लॉगिंग का। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ब्लॉगिंग करते जाएंगे तो आपको हमारे अच्छे ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, और हमारी जो क्वालिटी है वो भी आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, मैं जो है ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपसे जल्दी मेरी मुलाकात होगी सिर्फ फिर एक बार दीपांकर जी के साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट और बाय बाय।